प्रभु गणेश प्रकट तो हो गए, परंतु क्या वो अब देव और असुरों की प्रार्थना स्वीकार करेंगे? श्री गणेश की लीला केवल श्री गणेश ही जानते। आप सब प्रथम पूज्य को भूल गए? जब संकट सामने उपस्थित हो गया तब स्मरण हुआ मेरा, उससे पहले तो आप सभी मुझे भूले हुए थे। संसार के इतने बड़े अनुष्ठान समुद्र मंथन से पहले आप में से किसी ने यह नहीं सोचा कि शुभ कार्य करने से पहले क्या विधि होती है। क्षमा कर दीजिए हमें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कार्य आरंभ करने के उत्साह में ना जाने कैसे आपका स्मरण नहीं रहा। उत्साह और कार्य में ऐसे लीन हुए कि धर्म भूल गए। क्षमा कर दीजिए प्रभु, अपने भक्तों पर दया कीजिए। अब भूल हुई है तो दंड भी मिलेगा। प्रभु, हम पूर्ण विधि विधान से आपकी पूजा करेंगे। देवराज, असुरराज, मेरा मन तो भाव का भूखा है। ये प्रसन्न हो पाता है या नहीं, ये अब आप सबकी पूजा पर ही निर्भर करेगा। अद्भुत मां, क्या उपाय ढूंढा है आपने? एक और गरुड़ का अहंकार उसको पतन के गर्त में ढकेल देगा, और दूसरी ओर वो बुड्ढा और उसका क्रोध छोटी माँ के जीवन में कष्टों की आंधी ले आएंगे। वाह माँ, आपकी बुद्धिमता पे गर्व है हमें। कभी कभी मुझे तुम दोनों की मूर्खता पर तरस आता है। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं माँ? क्षीर सागर के मंथन जैसा अवसर कभी कभी आता है जीवन में। राहुल ने मुझे पूरा विवरण तो नहीं बताया, किंतु यदि दानव स्वर्ग का राजपाट होते हुए भी देवताओं के साथ संधि करने के लिए तत्पर है तो इसका केवल एक ही अर्थ है। निश्चित रूप से मंथन के समय समुद्र से कुछ ऐसा निकलने वाला है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसे पाने के लिए सब होंगे वहां पे, देव भी होंगे, दानव भी होंगे, यहां तक कि यह दास्य पुत्र करुण भी होगा। परमा, शेषनाग भैया तो वही होंगे ना? नारायण के अतिरिक्त उसे कुछ नहीं चाहिए, और अब तो उसकी मित्रता भी हो गई है उस गरुण के साथ। तुम दोनों का साथ देने के लिए वो गरुण का अहित कभी नहीं करेगा, इसलिए आप उस गरुण को रोकने के लिए और मेरे पुत्रों को अधिकार दिलाने के लिए मुझे ही कोई ना कोई उपाय सोचना होगा। ध्यान कहाँ है तेरा? मैं तो भूल ही गई थी कि तेरा पूरा ध्यान अपने पुत्र और उस बूढ़े पर होगा। ये तो होना ही था। अब स्वच्छ कर इसे, ऐसे देख क्या रही है? तेरी भूल को सुधारने के लिए मुझे किसी और दासी को बुलाना होगा क्या? तूने ये सब कुछ फैलाया है तो स्वच्छ भी तुझे ही करना होगा। जी। कहाँ जा रही है तू? यहां से तब तक नहीं जाएगी जब तक रसोई घर पहले की तरह स्वच्छ नहीं हो जाता। कदम भी मत हिलाना यहां से, पहले मेरा कार्य होगा, उसके बाद जिसकी जितनी सेवा करनी है कर लेना जाके। जी महारानी। Thank you.
प्रभु गणेश को सभी कुछ ना कुछ दे रहे हैं, पर मैं क्या अर्पित करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्षमा कीजिएगा बाबा, थोड़ी देर हो गई मुझे। आप लीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। तेरा प्रसाद दुखा। मुझे तो कुछ और। मैं प्रसाद का अनादर नहीं होने दूंगी बाबा। खाइए इसे। तू मुझे आदेश देगी? एक वृद्ध और रोगी को बेहोश करेगी? मैं आपका आदर करती हूँ बाबा, पर यह प्रसाद मेरे प्रभु, मेरे आराध्या विष्णु का है और वो मेरे लिए सबसे बड़े, सबसे महान है। इसलिए इस प्रसाद को तो आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा। मेरी कुटिया में मेरे प्रभु के प्रसाद का अनादर नहीं होगा बाबा, और आप इस प्रसाद की महिमा को नहीं जानते। हो सकता है इसे खाने के बाद आपका रोग ठीक हो जाए। ना मुझे तेरे प्रभु पे विश्वास है, ना उसके प्रसाद पे। आपको विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है बाबा, मेरा विश्वास ही हम दोनों के लिए पर्याप्त है। एक बार इसे खाइए तो सही, शीघ्र ही आपके कष्ट। मेरे हाथों को देख, मेरे घावों में से पस टपक रहा है। मुझे प्रसाद की नहीं, औषधि की आवश्यकता है। कौन सी औषधि बाबा, मुझे बताइए, मैं ले आती हूँ। तो जा, कटपर्णी के फूल और पत्ते लेकर आ, उन्हें पीस कर लेप बनाना होगा। जा। जी। और जल्दी आना, वही मत मर जाना। जा। क्या हुआ प्रभु, हमारी पूजा में कोई कमी रह गई क्या? मेरी सबसे प्रिय वस्तु तो आप सबने अर्पित ही नहीं की, उसके बिना पूजा संपन्न नहीं होगी और मैं आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा। ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है
जो प्रभु गणेश को इतनी प्रिय है और फिर भी इन्हें अभी तक अर्पित नहीं की गई। प्रसाद में इतने अच्छे लड्डू है तो फिर ये घास क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण घास नहीं है गरुड़, ये दुर्वा है, प्रभु गणपति को सबसे अधिक प्रिय है। मैं समझ गया कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो अब तक हमने प्रभु गणेश को अर्पित नहीं की। तो आपने प्रसाद ग्रहण कर ही लिया। प्रसाद होगा तेरे लिए, मेरे लिए तो खीर है। जल्दी जल्दी ले बना। जैसा समझ रहे हो वैसे नहीं है ये बाबा। हम ये बाबा जो भी कहता है और जो भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। धूमल चुप हो जाओ, तुम कितनी बात करते हो। दक्षकालिया, तुम दोनों को विंता पर पैनी दृष्टि रखनी होगी। इसके पल पल की सूचना चाहिए मुझे। जी मां। लगता है अंगार ने अपना कार्य करना आरंभ कर दिया है। इसे क्या लगता है माँ, जो गणेश इतनी सारी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं हुए वो इस साधारण सी घास से प्रसन्न हो जाए? प्रभु गणपति जी की लीला अपरंपार है। तरह तरह की वस्तुएं उन्हें प्रसाद में चढ़ाई गई पर वे उनसे प्रसन्न नहीं हुए और साधारण दुर्वा से प्रसन्न हो गए। भगवान सदैव साधारण वस्तु से ही प्रसन्न होते हैं शेष, क्योंकि उनके लिए वस्तु से अधिक मूल्य उसे अर्पित करने वालों की भावनाओं का होता। ऋषि मुनियों ने यह ज्ञान सामान्य जनमानस के हित के लिए दिया ताकि किसी को यह भ्रम ना हो कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए अधिक धन धान्य की आवश्यकता होती है। मैं कंदली के एक फल से भाव विभोर हो जाता हूं, लक्ष्मी पुष्प पाके खिल उठती है, महादेव शिव बेल पत्र से आनंद पा जाते हैं, देवी पार्वती केवल सिंदूर से प्रसन्न हो जाती हैं। उसी प्रकार गणपति के हृदय में स्थान पाने के लिए केवल दुर्वा घास ही पर्याप्त है। अद्भुत प्रभु, भगवान की भक्ति पर केवल धनवानों का ही पहरा ना हो, निर्धन भी बिना किसी भेदभाव के अपने आराध्य से आशीर्वाद पा सके, इसका कितना सुंदर प्रबंध किया है ऋषि मुनियों ने। इनके ज्ञान को और भगवान की साध्यता को कोटि कोटि प्रणाम।
पूजा संपन्न हुई, मेरा मन प्रसन्न हुआ। अब बताइए क्या इच्छा है आप सबकी? प्रभु, आप तो सबको जानते हैं, कितने कष्टों के बाद क्षीर सागर को मथने के लिए मथनी यहां तक आ पाई थी, पर पता नहीं कैसे वो मथनी समुद्र में डूब गई। प्रभु, बस यही आशीष चाहिए आपसे। मथनी को ऊपर लाना कैसे संभव होगा ये बता दीजिए प्रभु, ताकि मंथन शीघ्र आरंभ हो सके। क्षीर सागर का मंथन विचारों के मंथन की तरह होता है। जैसे विचारों को मथने के लिए पहले मस्तिष्क को स्थिर करने की आवश्यकता होती है, वैसे ही क्षीर सागर को मथने के लिए पहले इस मथनी को स्थिर करना होगा। अद्भुत बाबा, आपका ये लेप बहुत लाभदायक है, मेरे सारे छाले ठीक हो गए। इतना ही लाभदायक लेप होता तो मेरे काम क्यों नहीं हुए? क्योंकि मुझे परमपिता विष्णु पर पूरा विश्वास है और आपको नहीं। हमारा विश्वास, हमारी भक्ति ही प्रभु को हमारा हित करने के लिए प्रेरित करती है बाबा, इसलिए मेरे सारे कष्ट दूर हो गए और आपके नहीं हो पाए। पर कोई बात नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी ना। कितनी बोली हो तुम बिंता, ये भी नहीं जानती कि तुम्हारे कष्टों को दूर करने वाला मैं ही हूं। ये तो गुरु दत्तात्रेय है ना प्रभु? तो तुमने भी पहचान ही लिया शेष? हाँ, ये गुरु दत्तात्रेय ही 1200 वर्षों तक इन्होंने घनघोर तपस्या करके अभूतपूर्व सिद्धियां प्राप्त की। तब तो इनके दर्शन करके मैं धन्य हो गया, परंतु ये विंता माँ के यहाँ क्यों आए हैं और बात बात पर इन्हें ऐसे प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं? जिसे तुम प्रताड़ना कह रहे हो शेष, ये जीवन की चुनौतियां सिद्ध गुरु समय समय पर साधारण जनों को ये चुनौतियां देते हैं, ताकि उनकी भक्ति की परीक्षा हो सके और कष्टों की अग्नि सहकर उनकी भक्ति और भी दृढ़ हो सके। मुझे पूर्ण विश्वास है शेष, यदि देवी विंता इस परीक्षा में सफल हुई तो गुरु दत्तात्रेय के आशीर्वाद से न केवल उनके जीवन के कष्ट समाप्त होंगे, बल्कि उनके दोनों पुत्रों अरुण और गरुड़ के जीवन में भी सुख की वर्षा होगी। प्रभु, आपकी कृपा से विंता माँ को इनका आशीर्वाद प्राप्त होना आरंभ हो गया। फिर कैसे प्रभु? तुम मथनी तो ले आए गरुड़, पर ये भूल गए कि इस मथनी के नीचे भी कुछ होना चाहिए जो स्थिर हो, ठोस हो, जो इसका भार भी सह ले और इसे घूमने में सहायता भी कर पाए। प्रभु, ऐसी वस्तु कहाँ मिलेगी जो इसे स्थिर रखते हुए भी घूमने में सहायता कर पाए? आप मुझे बताइए, मैं इसे क्षण जाऊंगा और उस वस्तु को यहाँ ले आऊंगा। जब मैं पूरा मंद्राचल पर्वत ला सकता हूं तो मैं मथनी के लिए डोर भी लाऊंगा। प्रभु, गणेश जी ने बताया था कि विचारों का मंथन भी क्षीर सागर के मंथन जैसा ही होता है, फिर भी ये इतना विचार नहीं कर पा रहे हैं कि
इनके अहंकार से मंदरांचल पर्वत तो क्या, ये अपने अस्तित्व को भी नहीं उभरने देंगे। और सबसे दुखद तो यह है प्रभु कि अहंकार के चक्रव्यूह में गरुड़ भी डूबता जा रहा है। ये अनर्थ हो रहा है प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि कीजिए इन पर।